फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही रिलेटेबल है बिकॉज मी बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्टर और प्रोडक्शन और जो भी है हमने तो इतने सालों से काम किया है साहिल इज अ फ्रेंड एंड मूवी जब देख रहे हैं तो सीन जो देखे या ट्रेलर जो देखा इस वेब सीरीज का तो बहुत ही रिलेटेबल था जो एक्टर्स और उनका जो थॉट प्रोसेस होता है सो आई कुड रियली रिलेट टू इट एंड कुडोस टू द एक्टर्स हु हैड यू नो पुट इन दैट एफर्ट एंड वो चीज़ निकल कर बाहर आ रही है तो लोगों को भी पता चलेगा कि एक्टर्स का क्या क्या स्ट्रगल रहती है क्या लाइफ रहती है क्या थॉट प्रोसेस रहती है एंड आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल टू वॉच सर आपने भी ट्रेलर देखा है और जिस तरह का स्ट्रगल होता है आपने भी कुछ किया होगा इस तरह का स्ट्रगल सर शेयर करें तो अगर कुछ ऑफ कोर्स किया है अब जब स्टार्ट में आते हैं हर किसी को करना पड़ता है एंड आई विद पासिंग टाइम मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई है कि स्ट्रगल तो हर एक के लाइफ में है इट्स नॉट ओनली एन एक्टर हर कोई जब कोई जर्नी स्टार्ट करता है तो एक स्ट्रगल रहती है बट दैट इज़ द पीरियड व्हेन यू लर्न द मोस्ट आपको सीखना है और फिर उसको अप्लाई करना है अब धीरे धीरे व्हेन आई लुक बैक आई फील कि अगर वो एक स्ट्रगल नहीं होता वो लर्निंग प्रोसेस नहीं होता तो आई वुडंट हैव बीन हियर जहाँ पे मैं हूँ सो स्ट्रगल को यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड इट्स अ लर्निंग आई थिंक सो इवन व्हाटएवर जो जो आपको किरदार मिलेगा उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है ऑडियंस रिलेट करेगी तो आपको तारीफ मिलेगी डेफिनेटली सो आई एम रियली हैप्पी दैट विजय कुड कम एंड you know give his thoughts after seeing the trailer and the scene and I wish ke ab ye jaldi OTT platform pe ye show bhi dekhe and, yes yes definitely I'm waiting for it aur jab hum pass mein jaye to sahil ke sath to matlab tab se hum dost hain aur tab se hum bhi is tarah ki baatein kiya karte the jab hum industry mein nahi bhi aaye the ki acting mein ye karna hai wo karna hai when we were working together in Qatar कतायवेज में जब थे साथ में तो आई कुड रियली रिलेट कि ऐसे ही जब जर्नी स्टार्ट होती है लोगों की तो आगे क्या होना है पता नहीं है लेकिन वो जो सपने होते हैं वो देखे जाते हैं एंड देन धीरे धीरे टाइम पास होता है आगे बढ़ता है तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेते हैं तो मैं एक्चुअली आपको बता दूं मैं और विजय वी यूज्ड टू फ्लाई फॉर द सेम एयरलाइंस लॉन्ग बैक ऑलमोस्ट अभी तो 10 साल हो गए और आज भी जब भी मिलते हैं तो यही बात करते हैं यार कि वो भी एक जिंदगी जीते थे कभी कहीं चले जाते थे कभी कहीं चले जाते थे वी यूज टू रोम अराउंड द वर्ल्ड बट एक सपना दोनों के मन में था और जिसको अचीव करने के लिए दोनों अपनी कोशिशों में लगे हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द रिनाउंड फेसेस ऑफ टेलीविजन टुडे सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम ऑल्सो एंड आई रियली थैंक हिम फॉर कमिंग एंड यू नो गिविंग हिज प्रेशियस टाइम क्योंकि मुझे पता है टेलीविजन के शोज़ का शूट स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है सो आई जस्ट होप कि अब ये शो देखे और आई थिंक सो वी विल 100% गोइंग टू यू नो डू समथिंग टुगेदर एज वेल डेफिनेटली एंड वी हैव बीन ट्राइंग कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं कभी कुछ डेट्स का होता है या फिर कुछ प्रोजेक्ट का बट डेफिनेटली वी विल आई थिंक वी आर सपोज टू डू समथिंग बिगर एंड बेटर तो उसी की प्रिपरेशन अब चल रही है तो सीखना आई थिंक सो जारी है अभी तो एक चल रहा है मेरा सोनी के ऊपर मुँह से छल किए जाए इट्स गोइंग वेल और अभी जब तक ये चल रहा है आपको मालूम ही है टेलीविजन में देन यू कैन नॉट टेक अप समथिंग एल्स एंड नॉट मेनी पीपल नो बट वी आर गोइंग टू हैव अ लॉन्च साहिल नोज अबाउट इट फ्लॉक OTT प्लेटफॉर्म है जो हम लॉन्च करने वाले हैं वेरी सून सो आई लेट यू गाइज नो अबाउट इट एंड प्लीज स्प्रेड द वर्ड एंड गिव योर लव ऑडियंस को डेफिनेटली अच्छा लगेगा मुझे लगता है क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि इंडिया में दो चीज़ें लोगों को बहुत पसंद है माँ और सिनेमा और कहीं ना कहीं हर किसी में एक टाइम आता है जब अंदर एक एक्टर होता है तो वो बहुत सारे लोग उस सपने को दबा देते हैं कई लोग उसे अपना लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा लगेगा
आई थिंक जो फिल्में हमारे देश का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक पार्ट है, सीरियल इंडस्ट्री, ये सब एक बहुत बड़ा पार्ट है. हम अपने घरों में यही सब देख के तो बड़े हुए और यू नो एक क्रेजी थॉट हमारे भी मन में आया कि चलो यार हम भी ट्राई करते हैं. सो बिकॉज ये इंटीग्रल पार्ट है हमारी कंट्री का और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे पहलू हैं. आई थिंक सो ट्रेलर के दौरान ये भी हमें देखने को मिला कि काफ़ी अलग अलग लेयरिंग ऑफ इमोशंस हैं. एंड बाकी जब पूरा पूरी किताब अब छपेगी एज अ यू नो शो ऑन द OTT तो मेरे ख्याल से वो सारे पहलू आपको भी नज़र आएंगे. एंड वी आर होपिंग एंड वी वॉन्ट के हम भी एंटरटेन कर सकें ऑडियंस को, उनको भी लगे कि नहीं यार ये एक अच्छी चीज़, एक अच्छा शो हमने देखा है. शो के साथ साथ देयर इज अ बुक आल्सो, देन या पीपल कैन आल्सो यू नो ऑर्डर दैट बुक. बुक का नाम भी कलामंच है एंड पीपल शुड रीड इट. सो मतलब काफ़ी अच्छा थाट इसके पीछे रखा है एंड उम्मीद यही कर रहे हैं कि सबसे अच्छा यू नो रिजल्ट मिले हम लोगों को. So at the end, you want to say something for the audience? I would just say that I'm waiting for this web series to come on some OTT and watch this. तब तक के लिए आप अपना अपना कॉपी बुक कीजिए और इसे पढ़िए. I'm quite interested और waiting for it. And all the best to the team. And yeah, congratulations. बाकी रब रखा जो होगा देखा जाएगा. Thank you so much. Hey Mohan, मैडम आप थोड़ा इस तरफ आइए. सर फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपना नाम बताइए, फिर हम बात करते हैं. लुक क्या मेरा, लुक क्या बढ़िया सर. ठीक है जी, या रोल सर. ओके, सबसे पहले अपना नाम बताइए फिर. ओके, माय नेम इज करण श्रीवास्तव एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली. एंड मैंने ये बुक लिखी है पहले कलामंच. आई वेंट टू विलियम एस्पर स्टूडियो एंड दैट्स हाउ आई नो नीरज. We went to the same graduation school for acting, and that's how we became friends. And we discussed about the story, and it came to life like that. वैसे जैसे कि इसने बोला, मेरा नाम नीरज है, नीरज गंभीर. मैं भी मतलब करण से मिला न्यूयॉर्क में, जहाँ पे हम सेंट्रल पार्क में बहुत घूमते थे और बहुत चर्चा करते थे एक्टिंग पे, प्रोसेस ऑफ एक्टिंग के ऊपर. और ये भी बात करते थे कि यहाँ पे इंडिया में हमने कैसे एक्सपीरियंसेस मतलब फेस किए हैं और लाइक कैसे कैसे कैरेक्टर्स हमें दिखाई दिए. और इस पे हम लोग इतनी लंबी चर्चा करते, 2-3 घंटे बीत जाते थे, हम बस पार्क में घूमते रहते थे. और हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना इस लाइक कॉन्सेप्ट को एक इस इन कैरेक्टर्स को एक सेटिंग में लेके आए, एक प्लेटफॉर्म दें उन्हें. सो हमने सोचा कि कलामंच जैसा कोई एक प्लेटफॉर्म हम लोग बनाते हैं, जहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग सिटीज़ से आएंगे, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे एक्टिंग के लिए. और उनके लिए हम लोगों ने ऐसा भी सोचा कि हमारे सोसाइटी में जो जो सोसाइटिकल टैबूज़ होते हैं, जो जो मतलब जैसे कि हाउ पीपल लुक टूवर्ड्स टैन कलर पीपल, टूवर्ड्स LGBTQ कम्युनिटी पीपल, और जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उनके तरफ एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है सोसाइटी में. सो वी थॉट ऑफ लाइक इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दीज टॉपिक्स इन टू आवर कॉन्सेप्ट. और हमने इन कैरेक्टर्स को एक लेयरिंग दी है, जिसके मतलब ये मतलब उन प्लेटफॉर्म में, उस प्लेटफॉर्म में आके वो ट्रुथफुली दे हैव एक्सपीरियंस्ड द होल प्रोसेस ऑफ एक्टिंग एंड उनके जो इनहिबिशंस है वो लोग उन्होंने मतलब मिटाए हैं. सो ये हमारा कॉन्सेप्ट उसी बेसिस पे है कि कलामंच, जहाँ पे एनीबडी कैन बी एन एक्टर. सो बेसिकली वी जस्ट वांटेड टू से लाइक talent can come from anywhere and it doesn't matter what are the circumstances faced by people, if they are coming from a not so wealthy family like us, or maybe someone who is having some physical defect, or they don't know English, or they have some other problems in their life, they are too like maybe age factor and many things. But if you have the dedication, if you have the courage to like follow your dreams, and you can do anything, you can, any art. So hamara concept ek motivation hai, ek inspiration hai for the not only just the actors but the filmmakers, the artist community, that if you believe in your passion and you work towards it, you have to just willingly do the work and you can get to that point where you want to go. And yeah, that's it. That's about it basically. Yeah, and through this we are showing the process of the struggle and how
they go through a breakthrough and later on they become something like more confident towards their craft. So we are creating this bridge of how, like, if the unknown people and the actors who are coming here in Mumbai, or the artists who are coming here in Mumbai, they will come and they'll see and they'll understand the process and how to become more confident with themselves. And at the end of the bridge, they will go to the end of the bridge. So they'll just know ki hume lage rehna hai, mehnat karte rehni hai, aur ek point of time aayega ki hum log wo achieve kar sakte hain jo hum chahte hain. Ab ek web series banne wali hai uske upar, us pe aapne kya take hai, kya kehna chahoge? Book ke web series banne wali hai, kitna kuch aapka output rahega us web series ke liye, us film ke liye, kya rahega? So humne jab ye concept socha tha, हमने इसे एक बुक के फॉर्म में लिखा था. फिर हम लोग इतने एक्साइट हो गए, इतने हम उत्सुक हो गए कि हम चाहते थे कि ये जो कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं वो एक्चुअली हमें विजुअली, मतलब कैसे दिखेंगे विजुअली, इनका सेटअप अगर हमने बनाया, कला मंचक थिएटर बनाया, तो ये लोग कैसे आके इंटरेक्ट करेंगे, कैसे इनके रिलेशनशिप डायनेमिक्स होंगे. सो दैट वॉज एक्चुअली एन इम्पेटस फॉर अस टू लाइक गो फॉरवर्ड टू लाइक हैव दिस एज अ वेब सीरीज. Yeah. So yeah. Also, I think we wanted to show that we wanted to also support the community of artists and actors who are coming here having big dreams, and somewhere down the line they are demotivated by, you know, sometimes relatives or maybe people working. This is kind of a motivation that keep going on. Nothing matters than your talent and your hard work. So that's why we thought to create this, because cinema is a thing that can make enormous change in the society. As an actor and as a creator, we want to create that social change. So that is also the reason for making this web series. So sir, can you tell us about the cast? Okay. So first of all, there is a girl called Sonal Sagore. She is playing a tan color girl who is not accepted by her own mother, because her mother is very beautiful and she doesn't accept tan girls. She is going through this like kind of a racism that everywhere she goes, she is not accepted by the people, the like jobs or many things are happening. So this makes her very like very biased. Or so it's kind of like a biased face of the society. Like, even though like people will say in front or like on your face that okay, we don't like have this kind of differentiation, like Black Lives Matter, like Blue Lives, Brown Lives Matter, but still there is kind of like a hypocrisy among them. तो वो एक्सेप्ट करते हैं सामने, बट लाइक खुद ही उसके लिए बायस हो रहते हैं. सो लाइक उसका कैरेक्टर ऐसा है कि लाइक शी हैज़ फेस्ड सो मेनी बैड लाइक सिचुएशंस जहाँ पे उसे जॉब के लिए मना कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ हर टैन स्किन कलर, और क्लासेस में, स्कूल्स में उसे बहुत बुली किया गया इस चीज़ की वजह से. सो ये सारी चीज़ें उसके भीतर है, एंड लाइक वी वॉन्टेड टू लाइक highlight this fact that sometimes it's very easier to like fight the external battles, but it is very difficult to fight the inner battle. So hum is madhyam se batana chahte the ki ye jo characters hai inke bhitar ek demon hai ya fir kuch inhibitions hai jo inhe tod ke bahar nikalna hai, kyunki as an actor you have to grow, you have to open up to the whole world. So yeah, every character will have this kind of a layering, like they have something hidden within them. Yeah, and how through the journey and through the process they become more confident. Like there is I'm playing a guy who doesn't know English. He comes from a small village of Uttar Pradesh, and how he faces difficulties, everyone bullies him, and how he's made fun of. So that is also a character. Then there is a character of I am playing Azim, jo like LGBT community ka hai basically. So how people look up to them, even though that now here it is like very legalized,
but still there is like certain amount of people that are still basically having this point of view. They are not accepting them as their own. So hum logo ne aise characters banaye ki these are like having certain difficulties, or like not exactly difficulties, but like some where they are not being accepted in the society. Yeah. So ye ek character ho gaya. Phir baad mein Hiten, he is like a very flamboyant person who has his own world. He's a big fan of Salman Khan. He's a kind of delusional character, like someone who thinks ki, you know, I from the confidence I can just make it. I don't have to work hard. So there are so many people also like coming like that, who think ki, you know, anything can be possible with the confidence. So that there are mix and match of characters. And these are like characters we have met or, you know, heard about, and we made their circumstances, their world, and through the world we wanted to show their breakthroughs, their journey, and how all these misfits come together and they evolve and grow through the art. So basically, what should audience accept this show? Sorry, can you say that again? Audience क्या एक्सेप्ट करती है इस शो से? एक्सपेक्ट ये करती है कि इट विल लाइक बी एन आई ओपनर फॉर द ऑडियंस टू विटनेस ए जर्नी ऑफ लाइक डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड लाइक टू विटनेस द प्रोसेस ऑफ एन एक्टिंग लाइक स्टूडेंट कि मतलब वो किस तरीके से मतलब एक्टिंग एक्सरसाइजेस उसे करनी पड़ती है. इट्स नॉट जस्ट लाइक कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड डिलीवरिंग द लाइन्स. दे लाइक सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट एन एक्टर हैज़ टू गो थ्रू. मतलब उसे अपने वॉइस के ऊपर काम करना पड़ता है, उसे उसके इमोशनल लाइफ के ऊपर काम करना पड़ता है, उसे उसके मतलब मेमोरी, सेंस मेमोरी, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जिस पे उसे काम करना पड़ता है. और बताना चाहते हैं कि क्या उसका प्रोसेस है, लाइक एवरीथिंग, एवरीवन थिंक्स कि जस्ट दे कम फ्रॉम समवेयर एंड कि मैं एक्टर बन जाऊँगा, बट एक उसके पीछे भी वर्क है, एक काम है. जैसे नॉर्मल एजुकेशन होती है, इसके पीछे भी एक एजुकेशन है. वी वांटेड टू आल्सो प्रमोट दिस एजुकेशन ऑफ आर्ट, लाइक इवन डायरेक्शन नीड्स एजुकेशन, इवन फोटोग्राफी नीड्स एजुकेशन, एंड सो एज अ एक्टर आल्सो नीड्स एन एजुकेशन. एक्टर बन गया सर. बिल्कुल बिल्कुल. हां, वो नॉट वही पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहते हैं, तो भी बस एक्टर हो गए. जी थैंक यू सर. थैंक यू, थैंक यू. हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये शो सबसे बड़ा हिट हो. हम लोगों ने इस शो में एक्ट किया है, किरदार निभाया है, और स्टोरी बहुत अच्छी लगी हम लोगों को. तो इसके लिए हम लोग पार्ट बने. नीरज और गौरव के इस एफर्ट को हम लोगों ने इंडिविजुअली अपना अपना कैरेक्टर प्ले किया है. So I have played Kunal in this web series, and I've played Jheel, the youngest cute girl. Say something. और आपने कौन सा कैरेक्टर प्ले किया? I played Sunaina. हाँ, तो हम तीनों ने एक-एक कैरेक्टर प्ले किया, and we want, we wish. So much fun while shooting with the whole team. बहुत सारे अच्छे लोग थे, अच्छी vibe थी, and सब अच्छा था. We wish that. किरदार क्या है आपका? नाम और किरदार? Jheel. Jheel. And my role was ki I was a young fashionable bandroist girl who's really ambitious about being an actor, and yeah, that she comes to a theater group with her dreams to be fulfilled. And I played Sunaina. So Sunaina is basically in one liner, she is a love interest of Anand and Mr. Kunal. And definitely it's a lovely concept. The content is very, very good. And yes, best wishes to the all. सेट पे एक्चुअली बहुत डिफरेंट तरीके का माहौल था, क्योंकि ये एक क्लासरूम सेट था, और ये इसमें किस तरह की एक्सरसाइज होती है, एक एक्टर क्या क्या अपने यू नो लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें सीखता है, तो ये एक
इवन फॉर दोज जो एक्टर बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा डायमेंशन ओपन करता है कि ना कि सिर्फ आप को घर पे यू नो लगा के चलो अच्छे दिखते हैं तो एक्टर बन जाते हैं, हमें डांसिंग आती है तो एक्टर बन जाते हैं, हमारे पास सिक्स पैक है तो एक्टर बन जाते हैं. उसके साथ में एक बहुत सारी अलग अलग पहलू भी होते हैं, वॉइस ट्रेनिंग होती है, बॉडी ट्रेनिंग होती है. तो इस शो में आपको वो सारे पहलू देखने को मिलेंगे. हम लोगों की पर्सनल शो के अकॉर्डिंगली जो हमारी पर्सनल एक लाइफ जर्नी है, सब कैरेक्टर्स की अलग अलग लाइफ जर्नी है और वो डायमेंशंस देखने को मिलेंगे. सो आई थिंक सो ऑल इन ऑल एक हमारे लिए एज एक्टर्स टू परफॉर्म कैरेक्टर्स जो वो एक्टर बनना चाह रहे हैं तो ये थिएटर थिएट्रिकल सेटअप था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. एंड वी लर्नड अ लॉट आउट ऑफ इट व्हाइल द प्रोसेस. सीखने को भी बहुत कुछ मिला. फिल्म करने से पहले, ये वेब सीरीज करने से पहले और अब क्या सीखा आपने? We learned a lot. Actually, it's a very, very different concept. This is something which has never been shown on any of the OTT. किसी भी platform पे आपने ऐसी story या even nearby to this, I think nobody has seen yet. It's about इस तरीके का show actually. Yeah, exactly. The story is entire story is about the learning process. It's a very motivational concept for an actor also. वो लोग भी जो एक those people also जो बाकी cities से आते हैं, they aspire to be an actor. उन लोगों के लिए भी this story is something very कहीं ना कहीं उनको और एक ऐसा शो जिससे उनको भी सीखने को मिलेगा, उनको पता चलेगा. देयर आर एक्सरसाइजेस, देयर आर अपनी पर्सनल लाइफ से कैसे वो अपनी एक्टिंग लाइफ को रिलेट करते हैं, देन दे लर्न थ्रू दैट होल प्रोसेस. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न आल्सो. और एक आपका जो सवाल था, एक्चुअली हम लोग भी ट्रेंड एक्टर्स ही हैं, तो हम लोगों की जो जर्नी रही है, जो जिस तरीके से हमने सीखा है, हमारे अलग मेंटर्स रहे हैं जिन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, तो वही सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर पुट इन करी हैं. और बाकी जो नीरज और गौरव ने जो चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट करी थी अपने अपने किरदार को निभाने के लिए, आई थिंक सो हम लोग ने वो डिलीवर किया है. बाकी तो जनता इस चीज़ का करेगी एंड वी वॉन्ट. हाँ, बट इसका जो एक इन डेप्थ थॉट है इस चीज़ को बनाने के पीछे, वो बहुत पायस है, वो बहुत अच्छा है. And it should encourage a lot of people who are coming in this city or anywhere in India who are trying to be an actor. कि देर इज़ अ वेरी यू नो लॉजिकल लर्निंग बिहाइंड डूइंग एनीथिंग इन फ्यूचर. जैसे आप डॉक्टर बनते हैं तो आप पढ़ाई करते हैं, आप लॉयर बनते हैं तो पढ़ाई करते हैं, तो आप एक्टर भी बनने के लिए कहीं ना कहीं आपको वो उन एक्सरसाइजेज उन उस जर्नी का एक स्टडी का पार्ट बनना पड़ेगा. स्टडी का पार्ट है, दैट होल पार्ट इज एग्जैक्टली शोन इन कला मंच. सो इट इज़ समथिंग रियली गुड टू सी. लाइक यू शुड वॉच इफ यू रियली एस्पायर टू बी एन एक्टर, तो आप लोग जरूर देखिए. यू लर्न अ लॉट थ्रू दिस होल वेब सीरीज एंड यस, लाइक थैंक्स टू द होल टीम. वी आर सुपर एक्साइटेड एंड वी वर आल्सो या वी वर आल्सो लकी. और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, हमारा भी सिलेक्शन ऑडिशन प्रोसेस के थ्रू ही हुआ है. सो इट वाज नॉट के चाचे मामे का भतीजा है या फलाने का कुछ है. तो ये एक बहुत ही ऑथेंटिक प्रोसेस रहा है हम लोगों के भी सिलेक्शन का. और आशा यही करते हैं कि जो हमने किरदार निभाया वो आप लोगों को एट द एंड ऑफ द डे पसंद आए और सीजन 1, 2, 3, 4, 5 बनता रहे, हमें काम मिलता रहे, पर डे हमारा बढ़ता रहे, हम भी तरक्की करें. आप मानते हो कि नेपोटिज्म चलता है हमारी इंडस्ट्री में? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता. आई हैव अ वेरी वेरी वन लाइक थॉट प्रोसेस इन दिस. व्हाट एग्जैक्टली इज नेपोटिज्म गाइस? टुडे माय मॉम इज अ प्रिंसिपल. अगर मुझे कल को स्कूल का बिजनेस करना होगा तो मेरी मॉम क्या मेरी हेल्प नहीं करेगी? लाइक सीरियसली, दे विल हेल्प मी, राइट? सो I don't believe in this nepotism. नहीं, वो thought actually origination थोड़ा गलत है. Nepotism is, it's not about, आप में talent होना चाहिए सबसे बड़ी बात. आप उस talent को निखारने के लिए क्या करते हैं? एक सिंगर हर रोज सुबह अगर रियाज नहीं करेगा तो वो कितना अच्छा सिंगर बनता है, या एक डेंटिस्ट अगर हर दिन पढ़ाई करके आगे नहीं बढ़ेगा. सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट. Nepotism इज जस्ट आई थिंक सो फैट दैट इज गोइंग ऑन. कल को अगर हम इतना तरक्की करें, हमारे आने वाले बच्चे बोलेंगे हमें एक्टर बनना है या वो बनना है, तो हम बोलेंगे ना, आप नहीं करेंगे क्या? लाइक आई थिंक सो दे शुड बी गिवन अ पाथ टू लर्न दैट प्रोसेस. सो वी आर नॉट अगेंस्ट नेपोटिज्म. देखने के बाद लोग आते हैं ना बॉम्बे में कि बॉम्बे में जाऊंगा, मैं फाड़ दूंगा, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा, ये कर दूंगा, वो सब लोग नहीं कहेंगे. बाकी रिलेटिव कहेंगे कि नहीं, मैं फिल्म में काम करूंगा, ये करूंगा, वो जो कहते ना अक्सर, बॉम्बे जाऊंगा मैं फाड़ दूंगा, मुझे खाली एक रोल मिल जाए बस, फिर देख मैं क्या करता हूँ. ऐसे बहुत लोग हैं. नहीं, वो मैं उन्हीं लोगों के लिए ये बात बोलना चाहूँगा
कि आप फाड़ो, ज़रूर फाड़ो, लेकिन उसको भी तरीके से फाड़ो कि वो पोस्टर ऐसा, आपका प्रदर्शन ऐसा हो कि ऑडियंस उसका आपको क्रेडिट दे. और हमने देखे हैं यहाँ पे कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स रहे हैं जिनके पोस्टर पे मालाएं चढ़ती हैं, दूध चढ़ता है, उनको पूजा जाता है. तो उन्होंने भी यही थॉट रखा होगा कि यार काम ऐसा करेंगे कि फाड़ डालेंगे. तो काम ऐसा करो कि you know you you take that to the audience. Haan srk ho nahi mera personal kisi ho mera sab acche hai sab ho sab acche hai aane wale time mein aisa bola jaye ki yaar sahil arora bhi hai yaar wo humne there is a one quotation in hindi for this that ki kaam aisa karo ki naam ho jaye ya to naam aisa rakho ki apne aap kaam ho jaye. yeah kya dekha talent kahan kahan se aa raha hai. thank you thank you so much. हाँ चले सर आपसे शुरुआत करते हैं. क्या रोल है? मेरा नाम है अमित और मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ हितेन जी, जो सलमान खान का बहुत बड़ा फैन है. मेरा नाम ज्योति है, ज्योति सिंह, और मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ नेहा. मेरा छोटा सा किरदार है इसमें, मगर आई प्ले द मदर. तो बट ये जो प्ले था, जो ये सीरीज है, गौरव ने वैसे न्यूयॉर्क में बात की थी, हम लोग न्यूयॉर्क में मिले थे, वी वर स्टडिंग टुगेदर. तो बहुत अच्छा लगा, जो कॉन्सेप्ट था मुझे बहुत अच्छा लगा. तो हमने उससे फिर यहाँ पे आकर उन्होंने बातें की और हमें बताया. फिर यहाँ पे आकर मुझे मिले बॉम्बे में, क्योंकि मैं बॉम्बे मूव हो गई थी तब तक. और हम दो तीन बार मिले, फिर से उन्होंने बात की मिसेस के बारे में, तो काफ़ी दूर ले गए. और फिर लखनऊ में जाकर उन्होंने शूट भी किया, तो दैट वाज वेरी गुड. या मैम, हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनल सागोरे है और इस वेब सीरीज़ कलामंच वेब सीरीज़ में मैंने रागिनी का किरदार निभाया है, जिसका डस्की स्किन टोन है. सो इट वाज फन प्लेइंग दैट कैरेक्टर. हाय, मेरा नाम अक्षय सारस्वत है एंड मैं इसमें अद्विक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. सो अद्विक इज़ अ वेरी यू नो स्ट्रीट कूल काइंड ऑफ अ गाय, जिसकी एजुकेशन अच्छी हुई है. ही हैज़ ऑल द रॉन्ग नोशंस अबाउट व्हाट इट टेक्स टू बी एन एक्टर. लाइक ही कम्स फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट रिच फैमिली. So he feels कि just smart दिखने से, and you know he has all the wrong notions कि if he is a good model and smart दिख रहा है तो acting तो मिल जाएगी. And so this web series takes him on a journey जहाँ पे he discovers more about himself. And yeah. सर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, कैसा रहा पूरा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब तक शूटिंग चल रही थी लगभग 20 दिनों तक मैं तो खुद को भूल गया था. ठीक है, मेरे अंदर वो सलमान आ गया था जो मेरा कैरेक्टर था, बिल्कुल उसके जैसा चलना, उसके जैसा बोलना, उसके जैसा चलना, उसके जैसा बोलना. और इवन शूटिंग में बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से शूट किया. सब आपस में बहुत अच्छे, ये मेरा रूममेट था और हम, ये इतना ज़्यादा कैरेक्टर में था, सुबह जब मैं उठता था ये डिप्स कर रहा है, मतलब पुशअप्स कर रहा है. मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं की थी. मैं 6:30 और ये वो बंदा है जो कभी नहीं करता, ये खाने के लिए इज ऑलवेज क्रेजी कि पहले टूट पड़ेगा. एंड मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा. सुबह सुबह उठ के कसरत करता था, 1 घंटा भागता था. सलमान का फैन, उसे बॉडी थोड़ी फिट भी दिखी है मेरी. वो चली गई अब यहाँ पे, अब तो चली गया, तो दिख ही रहा है फिर वो चली. तो ये शो के लिए कि आप रियल में भी सलमान खान के काफी बड़े फैन हैं? रियल में मैं उनका फैन नहीं हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे बट मैं उनका फैन नहीं हूँ. चलिए ओके ठीक है. कुछ एनीथिंग कुछ जी, तो जो ये रागिनी का कैरेक्टर था, शी मतलब उसका जो डस्की स्किन टोन है, हमेशा हमने देखा है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ग्रास रूट लेवल से होता है. वी ऑलवेज से दैट यू आर डस्की बट ब्यूटिफुल, सो वी नीड टू रिमूव दैट बट एंड वी नीड टू से कि यू आर ब्यूटिफुल, दैट्स इट. वैन वी से कि अरे मतलब जो फेयर स्किन टोन वाली लड़कियाँ होती हैं, वी ऑलवेज से कि यू आर ब्यूटिफुल. तो जब इस किरदार के दौरान मेरा मेकअप भी किया जाता था, तब इतना मतलब लोग कहते थे कि अरे आपको अगली क्यों बनाया गया है. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ मैसेज वी नीड टू गिव टू द ऑडियंस, दैट एवरी कलर इज़ ब्यूटिफुल. सो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है हम फिल्म इंडस्ट्री में भी देखते हैं, जहाँ पे एक तरीके के कैरेक्टर रोल्स मिलते हैं, है ना, उस स्किन टोन से रिलेटेड. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कैरेक्टर जो होता है उसको एक कैरेक्टर की तरह लेना चाहिए, ना कि उसके स्किन टोन के हिसाब से उसको डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर लीड रोल और कैरेक्टर रोल. तो यही मैसेज दिया है कलामंच के द्वारा कि एनीबडी कैन बी एन एक्टर, ही कैन बी स्टंटेड, छोटा भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है, एनीवन कैन बिकम एन एक्टर इफ़ यू हैव दैट यू नो स्किल सेट. सो दिस इज़ अ मैसेज दैट आई थिंक कलामंच हैज गिवन टू द पीपल. ओके सर, मैम, थैंक यू सो मच.
रेडी सर, हमने ट्रेलर देखा, आपको ट्रेलर कैसा लगा, क्या कुछ कहना है? ट्रेलर बहुत अच्छा लगा मुझे, और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेताओं की जो जर्नी है उस पर जो अटेम्प्ट किया है, कनन श्रीवास्तव, कनन कनन श्रीवास्तव नीरज या नीरज ने और कनन ने जो ये सीरीज बनाई है, और उसका ट्रेलर जो है बहुत ही इसमें पोटेंशियल है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इसमें, और कहीं ना कहीं जो भी यहाँ अभिनय के लिए आता है उसकी जर्नी को जो पकड़ने की कोशिश करी गई है वो बहुत ही भावनात्मक है, और संवेदनाएं मुझे लगता है सबकी जुड़ेंगी इससे। सर आपने ट्रेलर देखा अंदर बैठ के, ट्रेलर कितना भाविक करता है, मतलब ट्रेलर देखने जी? ट्रेलर चूँकि किताब पे बेस्ड है, जो किताब भी इन्हीं लोगों ने लिखी हुई है, और मुझे लगता है कि जो जर्नी है, जो संघर्ष है, वो इनका बहुत ज़्यादा ग्लैमर से ग्लैमर की तरफ ले जाने का इनका उद्देश्य नहीं, इनका मोटिव नहीं, बल्कि इनका मोटिव है कि जब एक अभिनेता यहाँ पे अभिनेता बनने के लिए आता है तो उसका जो पूरा संघर्ष है, वो संघर्ष के बाद वो क्या क्या बन के निकलता है, क्या रूप लेता है और क्या शेप में लेता है, एक अभिनेता क्या शेप लेता है, वो एक बहुत ही सुंदर इनका अटेम्प्ट है, बहुत ही अच्छा। आप ये साइड में आ जाइए, उनको सेंटर में ले लीजिए। हाँ। थोड़ा ही सर वो हाँ चलिए हाथ लगेगा सर, यहाँ कान भाई ओके थैंक यू ओके थैंक यू थैंक यू ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू थैंक्स फॉर द कॉफी, आई एम श्योर इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू वॉच इट। एक्टर्स को रिलीज करेंगे अच्छा लगा मुझे, एक तो कुछ क्या मतलब काफी सारे क्रिएटिव है कि कला मंच नाम से ही पता चल रहा है, सो अच्छा है, इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, और आफ्टर कोविड ऑफ कोर्स हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिस करी हैं, सो अच्छा लगा मुझे। एक्टर एक्टर की जिंदगी में कैसी का उतार चढ़ाव आते हैं, ये भी तकलीफ आती है? अब बिल्कुल ये मतलब मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने काफ़ी डिटेल में जाके यू नो चीज़ों को एक्सप्लोर किया है या बताया है कि कैसे आप जो है जब एक एक्टर बनना चाहते हो, जो एक सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जब आप एक्टर बनने जाते हो तो सब कहते हैं एक्टर बनना है, कुछ और भी काम कर रहे हो साथ में, मतलब उन्हें लगता है ये दिस इज़ जस्ट लाइक अ पार्ट टाइम जॉब, तो आई थिंक ये उन लोगों के लिए कि भाई ये एक्टिंग ना तो बहुत आसान चीज़ नहीं है, तो इसको कभी भी आप पार्ट टाइम या ऐसे हल्के में लेके मत सोचो कि ओके ठीक है मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती तो मैं एक्टर बन जाता हूँ, तो ये नहीं सोचना चाहिए ऑफकोर्स, बिकॉज ऑफकोर्स इट्स अ रियली आपको चाहिए इसके लिए डेडिकेशन पैशन, मतलब ऑफकोर्स मेरे लिए तो एक तपस्या है, और जितना भी मुझे टाइम हुआ है मुझे लगता है कि आप इसमें सीखते हो, हमेशा सीखते हो, सो अपनी एक्टिंग को और निखारने के लिए अच्छा करने के लिए शायद ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए एक एक्टर बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, काले हो, गोरे हो, आप में पैशन है, आप में है डेडिकेशन, तो आप एक्टर बन सकते हो। अभी इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है, बिल्कुल 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 मैं वही बोलने वाली थी, नवाज जी हैं और गजराज राव हैं, उन्होंने इतना अच्छा एक्ट किया है, मतलब जिसको भी आप एग्जैक्टली इतने सारे नाम है अभी, तो अभी टैगलाइन लगाना कि नहीं ये कलर साइज यू नो हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, इट डजेंट मैटर, आपके अंदर पैशन है, आप बनना चाहते हैं एक्टर, तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है बस वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो एक्चुअली अब हमारी हिंदी सिनेमा का यू नो क्राफ्ट बढ़ रहा है, और अभी यहाँ पे ऐसी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती कि आप साइज में कैसे हो, कलर में कैसे हो, आई थिंक इट डजंट मैटर। सो ये एक बुक है और बुक स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो ये कितना इंटरेस्टिंग है ऑडियंस के लिए, क्योंकि जो ऑडियंस विजुअल देखती है वो काफ़ी पसंद करती है, तो ये कितना इफेक्ट पड़ेगा ऑडियंस पे?
मुझे लगता है कि बुक को हमेशा कोई भी बुक जब होती है और उसको आप जो है यू नो सीरीज बनाते हो या सीरियल बनाते हो, कैसे भी उसको लाते हो आप पब्लिक के सामने, वो हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है. फॉर मी तो कोई भी बुक अगर आप लॉन्च करते हो उसके बाद उस पर सीरीज बनाते हो, एक एक्साइटिंग चीज़ है फॉर मी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नमस्ते. मैम को भी अगर मोहम्मद को कर लेने दिया होता ना, बाद में तू कर लेता ना. हमारे सेटिंग में क्यों हिला रहा? लेकिन लीजिए ना, सब ठीक है ना? हाँ, प्रॉब्लम होती है ना. लीजिए सर, लीजिए. चलो तीन रिलीज कर लीजिए. कुछ बोलना है हमको? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलना. कुछ नहीं बोलना. कल मैं देख लूँ. आ गया बस, क्या डन है? रुको रुको, खाली इस तरफ आई, इस तरफ आई. हाँ ओके, कम क्लोज. ये तीन दिन हो गया. थैंक यू. थैंक यू. आइए आइए सब, सब एक ही लेवल पे लेके खड़े हो. मिल रहा है उसको बड़ा लेक पूरा मिल रहा है, सब मिल रहा है. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. चलिए कल मंच पे रोल. ओके रोल. सर क्या कुछ कहना चाहिए? आपने ट्रेलर देखा और क्या कुछ कहना चाहिए इस वेब सीरीज को लेकर? आई टेल यू, गौरव जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं और हिंदी में बोलूंगा क्योंकि हिंदी की एक सारा कुछ संवाद है यहां पर इस वेब सीरीज में. दिस स्पीक्स इन वॉल्यूम. I'm into the same field, इसी में फील्ड में हूँ. I'm into direction and writing. कला मंच, what I feel from the trailer, जो इसका टीजर मैंने देखा, मुझे लगता है this will inspire, this will motivate many of the actors who are going back, who all are thinking, you know, going through the low phase of the life. मुझे लगता है कि this will help them a lot. So in brief, I can you know add my experience after watching the trailer. This will motivate every actor, even the producer and director also. Wish you all the best. Thank you very much for inviting me. Thank you so much. Thank you. So first of all, good to see you, ma'am. आपने ट्रेलर देखा अभी? जी. क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा और वो जो सीन है वो मेरे हार्ट को टच किया है, बिकॉज मैं भी एक एक्टर हूँ. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच अ लेवल और एक्टर किस उससे गुजरते हैं वो मुझे अंदाज़ा है. और जिस तरह से यहाँ पे पोर्ट्रे किया, स्पेशली गौरव ने बहुत अच्छे से मोट किया. वो जो टाइम था अनदर एक्टर, शी इज फैंटास्टिक. ओवरऑल सारा सब कुछ ही टच किया है. सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो आप दिखाना चाहते हो वो लोगों को हार्ट में टच करें. तो इट हैज टच्ड मी. आई फेल्ट वेरी टच्ड. ट्रेलर में ये सब दिखाया हुआ है कि एक्टर्स कैसे स्ट्रगल करते हैं, क्या कुछ है, तो उसके बारे में ऑडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑडियंस पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा. कैसे इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि जब वो सीन को देखते हैं और वो जो एक्टर्स जब इतने अच्छे से उस चीज़ को कन्वे कर सकते हैं, तो जो वो कन्वे से कोई भी ऑडियंस उसका हार्ट को टच करेगा कि यार इट्स डिफिकल्ट फॉर दिस एक्टर, इट्स समथिंग यू नो हाउ दे आर स्ट्रगलिंग, तो वो स्ट्रगल पता चलेगा. ऑडियंस को कुछ कहना चाहूँगी आप? ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि ज़रूर वॉच करें और एक्टर्स के ऊपर हमेशा एक अच्छी फील रखें कि वो उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती. दे गो थ्रू, ऐसे ही कोई इतना बड़ा हीरो चमकता हुआ नहीं बन जाता. उनको एक उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, एक उनकी जर्नी के थ्रू गुजरना पड़ता है और वो जर्नी इतनी आसान नहीं होती है. सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस. थैंक्स. Well, I really like the trailer, first of all, since I'm an actor, so I can relate to the trailer, of course. And the best part about the trailer is ki hum jaise kalakaron ke liye
हमारी जो छोटी छोटी तकलीफें हैं जो हम इंडस्ट्री में जब पहली बार आते हैं जो हम फेस करते हैं वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई है या फिर बुक में लिखी गई है जो आम जनता को पता नहीं होती है द दैट हाउ मच पेशेंस डू वी नीड एज एन एक्टर एंड हमारे लाइफ की ग्राफ जैसे अप्स एंड डाउन जितनी ज़्यादा होती है वो ट्रेलर में पता भी चल रहा है दिख रहा है और आई थिंक नीरज एंड कनन दे बोथ हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब ब्रिंगिंग दिस कंटेंट टू अस एंड आई रियली लव द ट्रेलर. सो इसमें 8-8 कैरेक्टर है, एनी पर्टिकुलर फेवरेट कैरेक्टर आपका? फेवरेट कैरेक्टर सी जितना मैंने देखा आई थिंक जितने भी एक्टर्स थे सारे किरदार अलग अलग ही थे. मतलब कोई सारे किरदारों में एक स्पॉन्टेनिटी था विच आई रियली लव्ड इट. आई रियली लाइक्ड सोनल्स कैरेक्टर दैट शी इज़ डस्की स्किन बट स्टिल शी वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर एंड शी प्राउडली सेज दैट दिस इज़ आई वॉन्टेड टू डू और कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं डस्की हूँ तो. And that's how it is. And she conveyed a pretty good job. And I actually complimented her for that. That मुझे सोनल का character ज़्यादा अच्छा लगा. Otherwise, overall, all the actors have done a very good job. Thank you. Yes, sir. So आपने अभी trailer देखा, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? बहुत honesty से बनाया हुआ एक product दिखाया हमें. और मुझे लग रहा है कि ये जल्द से जल्द रिलीज होना चाहिए, सारे एक्टर्स के एफर्ट्स दिखे. सो जनता पे क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा ये ट्रेलर को देखकर? आई थिंक जो लोग एक्टर्स बनना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगी, उनको बहुत कुछ मिलेगा देखने में. हम तो रियल लाइफ में रोज़ देखते हैं. हमने क्रिएटिव अड्डा करके एक क्रिएटिव कल्चरल हब जैसा एक प्लेस बनाया है जहाँ पे सारे एक्टर्स आते हैं, बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, ऑडिशन के लिए एक जगह है. तो हम तो रोज़ लाइव देखते हैं कि यही जो स्ट्रगल है उनका, कुछ लोग आते हैं बात करते हैं कि उनके स्ट्रगल के बारे में, ऑडिशन के बारे में बताते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं अलग अलग जगह से. बिल्कुल वही सेम रियलिटी हम ये सीरीज में देख रहे हैं. जो सीरीज में ट्रेलर में जो देखा दिस इज़ अ रियल. जी वही नेक्स्ट था कि मूवी में काफ़ी कास्ट अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, उसमें हाइट साइज वगैरह उन पर भी बात हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही दिखाया है, ये जो सीरीज है ऑलमोस्ट सच है, हम रोज देखते हैं ऐसे. हमारे सिर्फ टैलेंट इम्पोर्टेंट होता है, आपका कलर इम्पोर्टेंट नहीं है, हाइट नहीं है, बॉडी नहीं, टैलेंट है तो आप कहीं भी पहुँच सकते हो. और हमारे पास तो बहुत बड़े एग्जाम्पल है, नवाज़ भाई है, इरफान खान थे, ओम पुरी जी है, जिन्होंने इंटरनेशनल फिल्म में काम करी, तो फ़र्क नहीं पड़ता कोई, अगर आप में टैलेंट है तो आप पक्का कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे लाइफ में. नहीं, मेरे हिसाब से सबको देखनी चाहिए, एक मैसेज दिखेगा. और जो एक लोगों के माइंड में रहता ना कि हमें अभिनेता बनना है, एक्टर बनना है, तो सारे सवालों के जवाब इस सीरीज़ में उनको मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है.